सो हेलो यूट्यूब वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम लोग कर रहे हैं रिव्यू F250 का बजाज की लेटेस्ट बाइक वेल नॉट लेटेस्ट अभी धीरे धीरे इसको छः महीना होने आ गया लॉन्च होके बट यार अपने पास तो अभी भी आई है तो सोचा एक 250 फिफ्टी किलोमीटर्स की राइड कर लेते हैं 250 फिफ्टी थ्री हंड्रेड हो जाएगा अभी घर पहुँचते पहुँचते सो so, मैंने सोचा क्यों ना एक रिव्यू कर लिया जाए इसका सो so, मैं इसको भी 180 एंड एटी किलोमीटर्स चला चुका हूँ और अभी हम लोग घर की तरफ ही जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं पे एक रुक के अच्छे से एक वीडियो बना लिया जाए सो so, यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं जवाहर पैलेस में यहाँ पे मतलब पैलेस तो पीछे रह गया यहाँ पे अभी सनसेट पॉइंट है यहाँ पे एक वहां आए थे और यहाँ पे थोड़ी छाव मिल गई तो सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ यार सो so, स्टार्ट करते हैं इसके सस्पेंशन से तो मुझे इसकी जो राइड क्वालिटी है गाइस बहुत अच्छी है इसकी राइड क्वालिटी अगर आप उनमें से हो जिसके लिए कंफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये बाइक क्योंकि इसका राइड कम्फर्ट काफी अच्छा है आप बोल सकते हो कि ग्लाइड करके निकल जाती है गाड़ी खराब रस्तों से जैसे कि मेरी जो जिक्सर है जिक्सर टू फिफ्टी अब अगर यही वाले अगर रोड से अगर मैं जाऊं तो मुझे काफी झटके फील होते हैं थोड़ा खराब रोड है आगे वहां पे टूटा फूटा लेकिन ये जो गाड़ी है ना ये हिलती है बट ये झटके नहीं देती वापस ऊपर इसका डैम्पिंग बहुत अच्छा है मतलब सस्पेंशन का और आप सस्पेंशन आप देख सकते हो इसका काफी अच्छा है हालांकि वो गैस वाला नहीं है बट फिर भी काफी अच्छा काम कर रहा है मानना पड़ेगा अच्छा ट्यून किया है मतलब और फ्रंट का भी मैं वही बोलूंगा इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफी अच्छे से ट्यून्ड है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है शॉक्स को इसका मड गार्ड भी काफी अच्छे से एक्सटेंडेड है ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा गंदा नहीं होता है नीचे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ही गंदगी आती है अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड और जो इसकी क्रूज स्पीड है वो सब वो तो इस गाड़ी के अंदर आते हैं सिर्फ पाँच गियर और उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई छह गियर ज्यादा बेटर होता है गाड़ी में बट मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है इसका जो गियर का जो रेशियोज़ है जो इसकी हर एक गेयर की जो स्पेसिंग है वो इतनी अच्छी की गई है कि आपको फिफ्थ गेयर पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपको और एक गेयर डालने की जरूरत पड़ रही है इस पे जो कि आर टी आर टू हंड्रेड पर काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा वो फील होता था इवन टू ट्वेंटी भी फील होता था बट uh, इस पे वो फील बिल्कुल नहीं है कि आपको छठवा गियर भी डालना पड़ेगा और uh, इसका जो uh, ये है आर है इसका आई थिंक अराउंड फाइव थाउजेंड आर पे गाड़ी सेवेंटी फाइव पे चलती है आराम से और 75 फाइव एक काफी अच्छी क्रूज स्पीड है इस बाइक के लिए मतलब आपको अगर माइलेज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बाइक से तो फिफ्थ गियर डाल दो 75 पे 5000 थाउजेंड आर पी एम पे आराम से क्रूज करती है जो कि सेम है जिक्सर पे भी जबकि उसमें छः गियर है वो भी 75 फाइव फाइव के आर पी एम पे ही करती है सो मैं आपको यही मतलब बताना चाहता था इससे कि देखो यार गियर कितने हैं उससे मैटर वो मैटर नहीं करता है पॉइंट मैटर ये करता है कि उसकी स्पेसिंग कैसी है उसकी रेशियोज़ कैसे हैं हर एक गेयर के और इसका जो थर्ड गियर है वो काफ़ी टॉर्की है ऐसा बनाया गया है कि आप मतलब मोस्टली आप चढ़ान जो है थर्ड गियर पे आप कर सकते हो गाड़ी खींच लेती है हाँ अगर आप डबल सीट वगैरह हो तो शायद आपको सेकंड गियर की जरूरत पड़ जाए बट फर्स्ट पे तो नहीं आना पड़ता मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड थर्ड पे ही काम हो जाता है uh, जिक्सर पे आपको फर्स्ट सेकेंड पे रहना पड़ता है उसके लिए और uh, इसका जो मिड एंड टॉर्क जो हम लोग बोलते हैं जो थ्री थाउजेंड आरपीएम से शुरू होता है थ्री थाउजेंड आरपीएम से फाइव थाउजेंड सिक्स आरपीएम तक रहता है वो काफी अच्छा एक्सलेशन काफी अच्छा टॉर्क आपको पे फील होता है गाड़ी के अंदर जो कि जिक्सर में उतना अच्छा नहीं फील होता आपको तो उसके लिए भी बहुत अच्छा इन लोगों ने मतलब मतलब उन लोगों ने यहाँ के रोड्स और यहाँ के कंडीशंस के हिसाब से गाड़ी के गियर्स को प्रॉपरली एकदम रेशियो का सेट किया हुआ है अब आते हैं हैंडलिंग परस्पेक्टिव पे भाई कि इसका क्योंकि सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है ना तो इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है मतलब जब आप इसको जब आप टर्न करते हो जैसे लीन कॉर्नरिंग आप कर रहे हो घाट्स में सो so, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता है कि गाड़ी कॉन्फिडेंस मतलब होगी नहीं होगी आपको थोड़ा उन्नीस बीस होता है जो कि जिक्सर पे नहीं होता क्योंकि उसके सस्पेंशन बहुत स्टिफ हैं तो जहां पे उसका ये एक बुरा पॉइंट था कि आप झटके बहुत देती है ये खराब रोड्स पे लेकिन उसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है घाट्स में और वही इसके साथ कंफर्ट ज्यादा है इसलिए इसकी हैंडलिंग थोड़ा उन्नीस बीस हो जाती है उतना अच्छा नहीं करती बट फिर भी अगर आप देख सकते हो मैंने आज कॉर्नरिंग करते वक्त सारा इसका टायर यूज किया है यहाँ का आ, वो भी एक है कि आपके मतलब आपको अगर आता है अगर करना तो आप कर सकते हो ऐसा नहीं है आ, गाड़ी आपको <laughs> रोकेगी नहीं बट वो जो कॉन्फिडेंस की बात होती है कि भाई उन्नीस बीस हो जाता है थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन सौ, सौ, की वजह से अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसकी सीट पर आ, सीट आप देख सकते हो काफ़ी ब्रॉड सीट है मेरा मतलब मेरा हाथ भी पूरा नहीं हो पा रहा है इतना ब्रॉड सीट है यहाँ का ये और इसमें आप काफी अच्छे से बैठते हो आपको बट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे पिलियन के लिए भी काफी अच्छा बनाया हुआ है दोनों तरफ से ये जो अंडर थाई सपोर्ट होता है जो यहाँ पे पिलियन के लिए ये काफी अच्छा है यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ पे तो उसकी वजह से पिलियन को थोड़ा ब्रेक मारते वक्त यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है इसके अलावा अगर मुझे अगर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो मैं बोलना चाहूंगा ये जो स्विच गेयर की जो मतलब ये सब जो क्वालिटी है चीज़ों की ये थोड़ी थोड़ी कम है ये भी मैं बोलूंगा 19-20 वाला बात हो गया ये भी आ, ये लोग चाहते तो थो थोड़ा और अच्छा एलॉय मतलब जो अपनी एलोमिनियम की होती हैं सी में होती हैं इवन एवेंजर में भी वही है वैसी वाली है थोड़ा अच्छा फील होती है वो पकड़ने में ये थोड़ा पेंट वाला थोड़ा थोड़ा चीप लगता है आ, इसके मिरर्स भी मैंने नोटिस किए बैठ कर दिखा देता हूं मैं मिरर्स इसके काफी दूर हैं तो अगर आप बाइक चला रहे हो और आपको एडजस्ट करना है तो आपको काफ़ी रीच आउट होना पड़ता है मिरर्स की तरफ देख रहे हो बहुत दूर है मिरर्स सो हालांकि आप रोज आप एडजस्ट नहीं करते हो इसको बट ये एक चीज़ है जो मुझे लगा कि काफ़ी दूर है वो और उसका जो व्यूइंग एंगल है वो अच्छा है लेकिन चलाते वक्त मैंने फील किया कि ये थोड़ा सा वाइब्रेट होता है एक बार गाड़ी थ्री थाउजेंड आर पी एम के ऊपर चली जाती है तो वाइब्रेशन एकदम मतलब नील हो जाते हैं फिर एकदम परफेक्टली उसमें दिखाई देता है बट लो आर पी एम्स पे थ्री थाउजेंड आर पी एम तक आपको फ़ील होगा कि ये ऐसे ऐसा शेक हो रहा है दोनों भी दोनों के साथ वही इशू और इन बिल्ट चार्जर वगैरह भी आता है गाड़ी के अंदर इसको अभी तक यूज़ तो नहीं किया है हम लोगों ने क्योंकि हमारा मैप्स उसी उस गाड़ी में ही लगा हुआ है और ये हम लोगों ने इसमें थोड़ा टैंक पैड भी लगा दिया है टू हंड्रेड रुपीज का टैंक पैड मिल गया था हमें तो इसका जो गेयर मैकेनिज्म है आप देख सकते हो वन डाउन बाकी आप है बहुत अच्छा है गेयर बॉक्स बहुत परफेक्टली काम करता है फर्स्ट सेकेंड से जाने के टाइम पे मुझे थोड़ा फॉल्स न्यूट्रल्स लग रहे होता है बार बार बट एक बार आप सेकंड से आप बाकी फिफ्थ तक आप बहुत मतलब फ्लॉलेस फ्लॉलेस आप डाउन शिफ्टिंग अपशिफ्टिंग दोनों भी एकदम फ्लॉलेस काम करती है इस गाड़ी पे डी टी एस आई का अपना इंजिन है टवंस पार्क इंजिन है कहीं से लीक वगैरह हो तो नहीं रहा है चेन ल्यूब भी इस पर हम लोगों ने अभी मेरे ख्याल से परसों ही किया है चेन भी जल्दी ढीली नहीं हो रही है जो डोमिनार 250 के साथ मैंने देखा है कि चेन ढीली जल्दी होती है सूख जल्दी जाती है डोमिनार पे आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है चेन का इसमें वो अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे काफ़ी टेंशन रही गाड़ी है उस हिसाब से इंजन हीटिंग कुछ भी नहीं फील हुआ कुछ भी नहीं 250 हंड्रेड मैंने इसको चलाया है घाट्स में चला लिया सिटी के ट्रैफिक में चला लिया बम्पर टू बम्पर अपना जो रोड्स थे उसमें चला लिए कहीं पे भी आपको पैर के पास अपने गर्मी फील नहीं होने वाली है uh, जिक्सर में कभी कभी आपको फील हो जाता है लाइक उन्नीस बीस वाला जो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आपको कभी कभी लगता है कि हाँ नीचे इंजन गर्म हो रहा है बट इसमें मेरे को बिल्कुल भी ऐसा समझ में नहीं आया कुछ अभी तक और इसमें मेरे जो जो इसका जो ओनर है उस दोस्त ने बोला है कि Uh, कभी कभी शहर में चलाते वक्त जब आप पावर देते हो तो इसमें आपको मिसिंग का फील आता है कि मिस हो रही है गाड़ी मिस मार रही है बट uh, मुझे अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है आई डोंट नो क्या होगा वो शायद इंजन ठंडा रहा होगा और उस टाइम पे चला रहे होंगे uh, क्योंकि ऐसे कंप्लेंट्स काफ़ी आए हैं यूट्यूब से जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ ये इशू है मिसिंग वाली सो so, मुझे लगता है लोग ऑन ऑफ ऑन ऑफ़ करके चला रहे हैं बार बार और इंजन गर्म नहीं हो रहा है प्रॉपरली जो एक चीज़ इसमें कम्प्लेन करनी है वो ये है कि अभी इंजन ठंडा हो चुका है हम लोग आधे घंटे से यहीं पे खड़े हैं आराम कर रहे हैं थी इसलिए बट मैंने एक चीज़ नोटिस की जैसे अभी मैं इसको फिर स्विच ऑन कर दिया इसको मैं न्यूट्रल पर डालता हूँ आराम से न्यूट्रल में जाती है गाड़ी कोई टेंशन बहुत प्यारा गेयरबॉक्स गाड़ी का मानना पड़ेगा ये जिक्सर का तो मतलब बेकार है सो so, अभी आप देख सकते हो इंजन ठंडा है और मैं इसको चालू करूँगा जिक्सर में क्या होता है जब आप इंजन चालू करते हो तो पहले 2000 हज़ार पे गाड़ी जाती है ठीक है और जब तक इंजन अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे नहीं आता तब तक तो वो नीचे नहीं आता डेढ़ हज़ार पे वापस तो अभी इसका ठंडा इंजन भी अगर चालू होता है तो 2000 हज़ार पे चालू होना चाहिए बट नहीं होता ये आप देख सकते हो डेढ़ के थोड़ा नीचे ही रहता है और अब चालू कर दिया है तो थोड़ा इसका आवाज़ भी सुना देता हूँ तो ये एक मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से भी लोगों को मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि गाड़ी गर्म होती नहीं है खुद से मतलब ई सी से तो और लोग खींच वींच देते होंगे तो ऑफ़कोर्स मिसिंग तो होता ही है उस टाइम पर वो एक मुझे लग रहा है इशू और सारी गार्ड वगैरह भी काफ़ी इसका अच्छा बनाया हुआ है तो अभी इसके ब्रेक्स की बात करते हैं लोग बोलते हैं कि सिंगल चैनल ई है पीछे का टायर लॉक हो सकता है स्किड हो सकता है वगैरह वगैरह बट मैंने अभी 250 280 किलोमीटर चलाया है और ऐसे तीन चार सिचुएशन आए हैं जहां पे मैंने पैनिक ब्रेकिंग किया है बहुत अच्छे से और मैंने एक बार भी अभी तक पीछे का टायर लॉक नहीं किया है और अगर आप ध्यान से देखो ना इसका पीछे का ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है नॉर्मल गाड़ियों से 20 एम mm एम ज्यादा बड़ा है ये ये शायद 240 है और मेरी जिकसर में 220 है सो मैंने ये देखा कि ये टायर जल्दी लॉक नहीं करती गाड़ी पता नहीं कैसे उन लोगों ने कैलिब्रेशन किया है क्या किया है बट ये टायर लॉक नहीं होता मैं काफ़ी मैंने मेहनत करके देख लिया इसके पीछे ट्राई कर लिए हाँ अगर आप एकदम ही बेकार तरीके से ब्रेक्स मार रहे हो तो अलग बात है इसके ब्रेक पैड्स भी आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी काफ़ी जान बची है गाड़ी में डेढ़ हज़ार किलोमीटर चल गई है अभी तो एकदम नई नई ही है और इसका ये फ्रंट लुक्स काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट से ना डी कैल्स का काम काफ़ी अच्छा किया मिनिमल है गाड़ी लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी अच्छे से एकदम स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं बहुत अच्छी लगती है मुझे ये बाकी मुझे एक और कंप्लेंट लगा इसके अंदर कि ये जो पैर रखने का जो पोजीशनिंग है इसका ये एक एवरेज गाय के हिसाब से बनाया हुआ है सो so, अगर आप लंबे हो तो आपका पैर आगे जाता है और ये पीछे आता है यहाँ पे थोड़ा आपको अप लगेगा ये पार्ट आपका और ये इसकी जो हाइट है ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ऊपर लगी या फिर पता नहीं मेरे जिक्सर में तो मेरे जिक्सर में वो जो पैर रखने का पोजीशन है वो नीचे है तो उसी वजह से कॉर्नरिंग करते हो थोड़ा डर लगता है कि छू जाएगा पैर नीचे इसमें पैर जल्दी नीचे छूता नहीं है लेकिन ये काफी क्रैम्ड लगता है लंबे लोगों के लिए छोटे हो तो कोई इशू नहीं है सीट क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं सीट की बात तो हो गई है सो अब आते हैं पॉइंट पे की ये गाड़ी लेनी किसको चाहिए तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आपका यूज केस ये है कि आप 50 परसेंट सिटी में चला रहे हो 50 परसेंट हाईवे पे चलाना चाहते हो राइड करना चाहते हो गाड़ी को लॉन्ग राइड्स पे और आपको एबीएस से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है इन सब बातों से और आपको माइलेज थर्टी नाइन फोर्टी के हिसाब से अगर आप आपको अगर चल जाएगा वो माइलेज काफ़ी अच्छी बाइक है बहुत सही वैल्यू फॉर मनी इसका जो प्रपोजिशन बोलते हैं काफ़ी अच्छे से प्लेस है गाड़ी वैल्यू के हिसाब से और इसकी एम के बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा जो इसका एम है एम आई डी इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो भी आप लोग बोलना चाहो सो भी आप देख सकते हो डी दिखा रही है गाड़ी 410, यानी 410 किलोमीटर भी ये जाएगी ओडो पे आ जाओ और फिर एस तब तो आपको यहाँ पे एक दिखता है कि आई इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी सो so ये जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का जो आ, जो ये है पार्ट ये मुझे नहीं लगता है इसकी कोई ज़रूरत थी तो मैं बोलना चाहूँगा कि इसकी रीडिंग काफ़ी गलत है अगर आप थ्रॉटल अगर आप थोड़ा भी आप देते हो तो रीडिंग कम हो जाती है बहुत ज़्यादा अचानक से और आप थ्रॉटल छोड़ दोगे पूरा तो 99.9 नाइन दिखाने लगती है कि किलोमीटर पर लीटर पहुंच जाएगी गाड़ी तो uh, so, इसका कोई मतलब नहीं था ये देने का फीचर मुझे लगता है इनको थोड़ा यामाहा एम टी वन फाइव और आर वन फाइव जैसा देना चाहिए था जो कुछ टाइम चलाने के बाद एक फ्यूल इकोनॉमी का एक इंडिकेटर देता है इसमें वो चीज़ नहीं है इसमें सिर्फ आई एफ ई है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है जो कि पॉइंटलेस uh, है उसका कोई उसका उतना कोई फ़ायदा होगा नहीं किसी को बिकॉज वो एज़ लो एज़ ट्वेंटी दिखाने लगता है फिर आप थोड़ा लोगे छोड़ोगे तो फिर फट से चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे उस डेटा का उससे अच्छा इन लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दिखाना चाहिए था उस पर काम कर सकते थे सो या दैट्स इट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक करो कमेंट करो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस गाड़ी के बारे में कुछ आपको पूछना है और तो आ, मुझसे एक दो दो लोगों ने बोला था कि भाई 250 के साथ इसको कंपेयर करो जिक्स टू के साथ तो आज मैंने कर दिया फाइनली दैट्स एट सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसा कुछ कॉन्टेंट आता रहेगा कुछ मॉडिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे गाड़ी के साथ अच्छे वाले फ़ालतू वाले नहीं आ, वो अगर करेंगे तो शेयर करेंगे यूट्यूब पे बाकी फ़र्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है फर्स्ट सर्विस कॉस्ट उसकी मुश्किल से सात सौ रुपये था विच इज़ नथिंग देखने जाओ तो सेकेंड सर्विस भी मेरे ख्याल से मुश्किल से तीन सौ चार सौ की होने वाली है क्योंकि उसमें ऑयल चेंज नहीं होता है इसका मुश्किल से मेरे ख्याल से 6000 किलोमीटर या 5000 हज़ार किलोमीटर पर टॉपअप होता है और 10000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होता है हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप टेन थाउजेंड किलोमीटर्स पे ऑयल चेंज करो इसका मैं तो बोलता हूँ आठ हजार पे चेंज कर लिया करो सो या दैट्स इट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय